हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत देश आइसलैंड में। आइसलैंड के नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले कुछ क्लिक करता है तो वो है बर्फ और खूब सारी बर्फ। लेकिन हमारा ये सोचना एक हद तक गलत है क्योंकि आइसलैंड में इतनी ज्यादा बर्फ भी नहीं गिरती है। भले ही वहाँ पर खूब सारी बर्फ ना हो, लेकिन ऐसी कई यूनिक बातें हैं जिसे जानकर आप बेशक हैरान रह जाएंगे। जानते हैं कि आखिर कौन से है वो फैक्ट। खुले में नहाओ। आइसलैंड में कई सारे झरने हैं, लेकिन इन झरनों में नहाने के लिए एक शर्त है। इसके अंदर नहाने जाने से पहले ही आपको नहाना पड़ेगा, और वो भी खुले में बिना कोई कपड़े पहने। अब ये बात आपको थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन उनके लिए ये हाइजीन का मामला है जिसके साथ वो 1% की भी कोताही नहीं बरत सकते हैं। बौने लोग आज भी वहाँ पर रह रहे लोगों का मानना है कि वहाँ के कुछ स्थानों पर छोटे छोटे कद के लोग रहते हैं जिनके पास अविश्वसनीय जादुई ताकतें हैं। उनका कहना है कि अगर कोई इन लोगों को जबरदस्ती परेशान करेगा तो वो उनका नाश कर देंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है। कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जिसमें बताया गया कि कई बुलडोजर जो एल्फ साइट पर काम कर रहे थे चलते चलते खराब हो गए और फिर कभी सही भी नहीं हो पाए। दरअसल वहां पर इन बौने लोगों को एल्फ कहा जाता है। आधी रात में खेलो। जून और जुलाई के महीने में यहाँ पर सूर्य 24 घंटे आसमान में रहता है। इसका मतलब है कि इन महीनों में यहाँ पर रात होती ही नहीं है। लोगों को इस समय का इंतजार रहता है क्योंकि उनका कहना है कि इस दौरान गोल्फ खेलने का अपना अलग ही मजा होता है। एंटी पोर्नोग्राफी लॉ। आपको पता है आइसलैंड में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कई ज्यादा है। यही एक महत्वपूर्ण वजह है जिसके कारण वहां की सरकार ने तमाम स्ट्रिप क्लब और ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर बैन लगा दिया है। हैंडबॉल। आइसलैंड का नेशनल स्पोर्ट हैंडबॉल है। वहाँ के लोग इस खेल के बेहद शौकीन है। क्रिकेट की दीवानगी जैसे लोगों के सिर चढ़कर बोलती है, वैसे ही आइसलैंड में हैंडबॉल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। हैंडबॉल सॉसर गेम की ही तरह होता है। दोनों गेम में बस एक छोटा सा अंतर है। हैंडबॉल में प्लेयर्स को हाथों का इस्तेमाल करना होता है। स्काय प्रोडक्ट। आप सोच रहे होंगे कि ये स्काय क्या है। ये एक डेयरी प्रोडक्ट है जो आइसलैंड में बेहद फेमस है। ये दिखने में दही की तरह ही होता है, लेकिन ये चीज से बनता है। इसमें कोई फैट नहीं होता है और खूब ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये आइसलैंड के अलावा और कहीं भी नहीं मिलता है। सांता का है भाई, आपने सांता क्लॉस का तो नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने यूलेट्स का नाम सुना है? दरअसल पहले यहाँ पर लोग अपने बच्चों को ये कहकर डराते थे कि अगर उन्होंने बदमाशी की तो एक झोली पकड़ा हुआ इंसान उनके खिलौनों को उठाकर ले जाएगा। बाद में सरकार ने एक आदेश पास किया जिसमें सभी माँ बाप को अपने बच्चों को इस तरह से डराने के लिए मना किया। तब से ही यूलेंस का कॉन्सेप्ट चालू हुआ, जिसमें एक व्यक्ति क्रिसमस पर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोगों के घर जाता है और बच्चों को तरह तरह के गिफ्ट देता है। इस व्यक्ति को ही यूलेंस के नाम से जाना जाता है। फिशिंग है जरूरी। आइसलैंड में कोई इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है फिशिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के लिए ही कॉड वॉक शुरू हुई। दरअसल 1958 में आइसलैंड ने तय किया कि वो अपने आसपास फिशिंग का एक एक्सक्लूसिव जोन बनाएंगे जिसमें उनके अलावा और कोई देश फिशिंग नहीं करेगा। उनके इस डिसीजन पर ब्रिटिश की सरकार ने काफी गुस्सा जाहिर किया था। दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी लंबी जंग भी चलती रही, लेकिन अंत में ब्रिटिशर्स ने अपनी आपत्ति वापस ले ली और आइसलैंडियंस ने अपना एक एक्सक्लूसिव जोन बना लिया। ये एरिया करीब 320 किलोमीटर तक फैल गया है। पहले इसका एरिया मात्र 6.5 किलोमीटर ही था। खूब सारे ज्वालामुखी। आइसलैंड में खूब सारे ज्वालामुखी है। वहाँ की सरकार ने इसका एडवांटेज लिया और इन ज्वालामुखियों से ही एनर्जी बनाने लगे। आज करीब 85% एनर्जी ज्वालामुखी से ही बनाई जाती है। रॉपफिन हार्ट। यहाँ पर एक बेहद क्यूट सी चिड़िया पाई जाती है जिसका नाम रॉपफिन हार्ट है। इनके पंख काले और सफेद रंग के होते हैं और उनकी चोंच कुछ ज्यादा ही लंबी होती है। फेमस ब्रिटिश शेफ गोर्डन रामसे ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में सबके सामने एक पफिन चिड़िया का दिल खाया था, जिसके लिए लोगों ने उसकी काफी आलोचना की थी। लेकिन आइसलैंड में पफिन के दिल को लोग एक डिश की तरह खाते हैं और ये उन सभी को काफी टेस्टी लगता है।
तो दोस्तों, अगर आपको कभी आइसलैंड में जाने का मौका मिले तो क्या आप आइसलैंड जाना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।